वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स रिसेंटली फैन टोकन्स में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है फैन टोकन्स लाइक मैनचेस्टर सिटी यूएंस पोर्टो पीएसजी अपने प्राइस से ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल हो गए हैं वो भी विद इन वीक क्या है फैन टोकन्स और क्यों कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर फैन टोकन मीम कॉइंस को रिप्लेस कर सकते हैं इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले जानते हैं फैन टोकन क्या होता है फैन टोकन भी क्रिप्टो एसेट होती है जिसे इशू किया जाता है टीम्स ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लब के द्वारा अपने फैंस के लिए यह टोकन आपको फैंस के इनर सर्कल में पहुंचने में हेल्प करते हैं इसके अलावा होल्डर्स को इम्पोर्टेंट पोल्स वोटिंग का भी एक्सेस मिल जाता है जिनके थ्रू कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं लाइक मैच लोकेशंस टूर बस डिजाइन प्रमोशन रिवॉर्ड्स एंड मर्चेंडाइज डिजाइन ज्यादा टोकन होने का मतलब है आपके पास ज्यादा वोटिंग पावर है

बट ये इंस्पायर्ड होती है मीम्स और जोक से जो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फेमस होते हैं फर्स्ट मीम कोइन था डोजकोइन जिसे लॉन्च किया गया था 2013 में मीम कोइंस हाईली वोलेटाइल होते हैं और ये कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी की वजह से मीम कोइन बहुत पॉपुलर होते हैं मीम कोइन इन्वेस्टर और ट्रेडर ज्यादा दिनों तक किसी कोइन में इन्वेस्ट करके नहीं रखते हैं जल्दी वो नेक्स्ट मीम कोइन पर मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से मीम कोइन में 80 से 90 परसेंट तक का करेक्शन आ जाता है आप डोजकॉइन और शिपकॉइन के चार्ट को देख सकते हो फ़ैन टोकन एंड कोइन में डिफरेंस है यूज़ का जहां एक तरफ कोइन का प्रैक्टिकल यूज़ जीरो के बराबर है वहीं दूसरी तरफ फैन टोकन का यूज़ करने के बहुत सारे वेज है फैंस के पास इसके अलावा कोइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह भी बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि जब तक लोगों की डिमांड इसमें बनी रहती है मीमकइंस में रिटर्न तभी तक अच्छा मिलता है बट फैंस टोकन्स को मोस्टली यूज़ करने वाले फ़ैन्स है लाइक फुटबॉल फैंस जो अपने क्लब के लिए डेडिकेटेड होते हैं वो एक क्लब से दूसरे क्लब जंप नहीं करते रहते लाइक डोज कॉइन और शिप कॉइन अदर मीम कोइंस के साथ भी यही प्रॉब्लम है एक बार डंपिंग स्टार्ट होने के बाद मीम कोइंस में फिर से अप ट्रेंड का आना बहुत ही मुश्किल है जिस वजह से छोटे एंड रिटेल ट्रेडर्स की इन्वेस्टमेंट मीम कॉइन में स्टॉक हो जाती है जिनको लॉस लेकर ही क्लोज किया जाता है और फैन टोकन्स का प्रैक्टिकल यूज़ फ़ैन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने क्लब से जुड़ने में और जैसा कि हम सभी जानते हैं स्पोर्ट्स जनरेशन टू जनरेशन चलता है न्यू जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन भी इन्वॉल्व रहता जिस वजह से फैन की कमी नहीं होती क्लब के पास अनलाइक मीम कोइन जिसमें इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट अबेंडन ही कर दिया जाता है ये पैटर्न आपको ऑलमोस्ट सभी मीम कॉइन में देखने को मिल जाएगा इसी वजह से फैन टोकन शायद मीम कॉइन को रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर में ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू जय हिंद